दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सटून्स एनिमेशन स्टूडियो। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। फर्जी बाबा की लिस्ट में आया नाम तो नरेंद्र गिरी पर बरसे कुशमुनि, कहा दलाल कोर्ट में घसीटने की दी धमकी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से जारी 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट में इलाहाबाद के कुशमुनि का नाम आते ही गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पर हमला बोलते हुए उन पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का दलाल होने और निरंजनी अखाड़े की जमीन बेचने का आरोप लगाया। साथ ही सभी अखाड़ों के मादक पदार्थों की सप्लाई में लिप्त रहने के साथ ही अन्य आरोप लगाए। उन्होंने 13 अखाड़ों के महंतों और पौरुष शक्ति रखने हुए अपना ब्रह्मचर्य प्रमाणित करने की चुनौती तक दे डाली। साथ ही उन्होंने फर्जी बाबाओं की लिस्ट में खुद का नाम डाले जाने पर कोर्ट में जाने की बात कही। रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की। बैठक में कुल 14 बाबाओं को फर्जी बाबा की लिस्ट में डाला, साथ में ऐसे 14 बाबाओं की लिस्ट शासन को सौंपने और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। लिस्ट में इलाहाबाद सिविल लाइन्स में रहने वाले कुशमुनि का भी नाम आया। इस संबंध में जब पत्रिका संवाददाता ने कुशमुनि से सवाल किया तो अखाड़ा परिषद के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद के दायरे में नहीं आता, 13 अखाड़ों में से किसी भी अखाड़े का मैं सदस्य नहीं, 2012 में उदासीन अखाड़ा का परित्याग कर चुका हूँ। इसकी मुख्य वजह अखाड़ों में व्याप्त भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैं अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंधक समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरा गुरु स्थान मछली मंदर मठ 80 घाट वाराणसी है। मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैंने महावाटी की दीक्षा ली है। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी मेरा नाम फर्जी संतों की लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं? उन्होंने नरेंद्र गिरी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पर खुद कई आरोप लगे हैं और जिनका इतिहास खुद आपराधिक रहा है, उसे यह अधिकार कैसे दिया जाता है? कुशमुनि ने नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र गिरी ने हनुमान मंदिर में के महंत के तौर पर कई अनैतिक कार्य किए हैं, मठ की संपत्ति की बेच डाली। उन्होंने निरंजनी अखाड़े की भूमि सपा के नाम नेता वेश को दे दी। उस समय मैंने सहायता की थी, ये सपा के मुलायम सिंह के परिवार के दलाल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि काफ़ी पैसा नरेंद्र गिरी ने प्रॉपर्टी डीलिंग में भी लगा रखा है। उन्होंने नरेंद्र गिरी पर महामंडलेश्वर पद बेचने का भी आरोप लगाया। साथ ही 13 अखाड़ों के महंतों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि ये लोग पौरुष शक्ति रखते हुए अपने ब्रह्मचर्य प्रमाणित रख दें तो मैं अपने आप को फर्जी मान जाऊं। दावा किया कि किसी भी अखाड़े में कोई भी महंत ब्रह्मचारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो अखाड़े चरस गांजा अफीम का समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनके द्वारा युवाओं को गलत मार्ग तक ले जाया जा रहा है। ये संत के नाम पर कलंक है। समाज को चाहिए कि ऐसे फर्जी बाबाओं का बहिष्कार करे, तभी धर्म और समाज की रक्षा की जा सकेगी। धन्यवाद।